समर्सिबल मोटर ख़राब। जी हाँ, आप सही वीडियो देख रहे हैं। समर्सिबल मोटर जो होता है वो जो ख़राब हो जाता है उसको कैसे हम निकालेंगे और कैसे उसको फिर से दोबारा से इंस्टॉल करेंगे, ये प्रोसीजर मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे आपको पता है कि समर्सिबल मोटर बहुत सारे जगहों में यूज़ होता है, जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है किसी किसी के घर में, तो आज हम उसी का वीडियो बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये वाला जो हम नट वगैरह है वो उसको खोल दे रहे हैं। वैसे सेम प्रोसीजर में आप खोलना स्टार्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले आप वायर वगैरह को आप कलेक्ट कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि कहीं से भी वायर खुले ना। और एक या दो प्लम्बर ला के, या अगर आप खुद भी आपके पास रिंच है उसको ऐसे इसी तरीके से उठाना शुरू कीजिएगा। एक एक पॉइंट पे आप उठाइएगा और एक एक पॉइंट पे उसको रिंच से नीचे से दबाइएगा, ताकि आपका जो समर्सिबल मोटर है वो बोरिंग के अंदर फंस ना जाए और कहीं आपका कुछ नुकसान ना हो जाए। तो आप इस वीडियो को फुल्ली फंक्शनल में देखते रहिए। मैं आपको कुछ क्राइटेरिया में बता दे रहा हूँ। जैसे कि एक रिंच को अगर हम लगाते हैं और ऊपर में रस्सी लगाते हैं, तो रस्सी में जो हम बांस लगा के उसको उठाते हैं तो नीचे में रिंच को उसको सपोर्ट के लिए हम दे देते हैं। और उसके बाद जब एक जो पाइप होता है, जो 10 फीट का पाइप जिसे आप देख रहे हैं इधर में लॉक लगाए सॉकेट भी लगाए, उसके ऊपर पार कर जाता है, तो इसका जो नीचे वाला एक सपोर्टर है जो आप देख रहे हैं उसको हम नीचे लगा देते हैं, ताकि बाई चांसली आपका जो मोटर है वो नीचे बोरिंग में ना फंस जाए। तो ऐसा ही करते हैं, आपको लगाना है और इसको ऐसे ऐसे करके खोल देना है एक एक पीस करके, जैसे अभी दिख रहे हैं आप कि खोला जा रहा है। तो अभी इसी प्रोसीजर में आप टोटल में टोटल जो है 3 या फिर 4 पीस जो भी जितना भी पाइप है आपका उसको आपको रिमूव कर देना है। तो चलिए मैं अपना बक बक बंद करता हूँ और आप देखिए इसका पूरा प्रोसीजर में, जो कि 2x स्पीड के साथ। ये आपका तार खुल चुका है, तो ये जो तार नहीं, वीडियो बाद में बोलिएगा। नहीं, अभी अभी मतलब ऐसे ही कर रहे हैं कि ताकि याद रहे। ये आपका रस्सी लग चुका है, आजम नगर में अभी कोई लड़का नहीं है, जाएगा। लास्ट तक जरूर देखें। तो अब हमारा मोटर निकलने ही वाला है, पूरा पाइप हमारा ख़त्म हो चुका है। तो देख सकते हैं पूरा पाइप हम निकाल चुके हैं। लास्ट वाला पाइप को आपको खोला नहीं है क्योंकि इसमें मोटर अटैच्ड है। ये हमारा विंड है, उसका जो पंखी पंखुड़ी, और नीचे में हमारा मोटर है। और देख सकते हैं ये कुछ आयरन जो है उसके ऊपर जमा हो गए हैं, जो कि नॉर्मल के लिए सही है। और ये आप बोरिंग भी देख सकते हैं। तो अभी हम इसको फटाफट से खोल लेते हैं। तो सबसे पहले खोला जाएगा, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है आपको अपने हाथ को क्लीन करना है, क्योंकि आप अगर हाथ को क्लीन नहीं करेंगे तो आपको इसमें खोलने में दिक्कत आएगा। हो सकेगा कुछ डस्ट जो है वो जब नट हम खोलेंगे उसके अंदर भी घुस सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले हमको उसको खोल देना है। उसके बाद ये जो नट वगैरह है इसको खोल लेना है, उसके अंदर अच्छे से पानी इसमें
भर देना, ये वाला नया वाला मोटर है, ठीक है। ये वाला जो पुराना मोटर है हम इसको रिपेयर करने ले जाएंगे। तो अभी हमारे पास एक बैकअप के लिए मोटर है जिसके अंदर हम पानी भर दिए हैं, और उसके बाद ये इसको आप घुमा के चेक कर लीजिएगा चल रहा है। उसके बाद पंखी को भी चेक कर लीजिएगा, पंखी भी चल रहा है कि नहीं। तो ये जो समर्सिबल मोटर है इसके साथ एक लॉक आता है जिसको लगाना पड़ता है इसमें, और ये जो टायर जैसा आप दिख रहा है छोटा सा, इसको भी लगाना पड़ता है। यही हमारा जो मोटर को और पंखी को एक साथ में जोड़ता है, और उसी के साथ ये वाला जो आप थ्रेड है उसको थोड़ा मैचिंग करवाइएगा। उसके बाद इसको अच्छे से इंसर्ट कीजिएगा ताकि ये अच्छे से घुस जाए। और उसके बाद अगर नहीं भी जा रहा है तो एक एक काम कीजिएगा, और जो पंखी का जो ऊपर वाला जो सतह है उसको थोड़ा थोड़ा मोड़िएगा तो ये आराम से घुस जाएगा। ये मैच कीजिएगा कि एक होल के साथ उसका भी होल मैच कर जाए, तो उसके साथ आपको डाल देना है। उसके बाद ये जो नट वगैरह है उसको आपको अच्छे से कसवा देना है। तो मैं आपको मतलब अच्छे से नट कस के आपको कॉल बात करता हूँ। और इसको नट को अच्छी तरह से टाइट कर देना है। ये रिपेयर एक मोटर है, ये एक पंप है, ठीक है। और ये नीचे का जो है पोजीशन ये मोटर का है, ये इतना बड़ा मोटर रहता है और यहाँ से जो पानी इससे उठता है आप देख सकते हैं, और वो डैमेज मोटर, वो उसी में फेक होने वाला है। पहले इधर का नट टाइट कीजिएगा, फिर इधर का, उसके बाद फिर इधर उधर हल्का हल्का टाइट मारते रहिएगा और अच्छी तरह से बैठा दीजिएगा ना। अब हमारा नट टाइट फुल हो चुका है, और ये देख लीजिए ऊपर नीचे हो रहा है और ये भी घूम नहीं रहा है। तो अभी हमारा नट पूरा कस चुका है, अभी हम इसका अटैचमेंट लगाएंगे जिसमें इसका है हमारा प्यूरीफायर, जिसको हम तो बोल नहीं सकते, इसको जाली हम बोलते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा कचरा है जो जैसे बड़े बड़े पत्थर हो गए, कंकड़ हो गए, ये सब इसके अंदर ना जाए, इसके लिए ये जाली को दिया जाता है। तो जाली को आप पूरा अच्छे से चेक कीजिएगा, इसका नट जहाँ पर लगाना होता है उसको भी लगाइएगा। तो सबसे पहले इसको हम लगा देते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ आगे। इसको भी अच्छी तरह से टाइट मार देना है, और ये आपका हो गया तैयार। यहाँ का दोस्तों एक नट खुल चुका है हमारा, देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये आयरन से पूरी बुरी तरह से खराब हो चुका है, देख सकते हैं दोस्तों टूट चुका है ये। जब ये दोस्तों आपका फेल हो चुका है तो आप इसमें थोड़ा सा टेप मार सकते हैं, ना आज बनाइए देगा जाके क्या। ये है दोस्तों आपका टोचन वायर, तो सब कुछ हमारा खत्म हो चुका है। ये हमारा एक्स्ट्रा हम निप्पल लगा रहे हैं ताकि हमारा 3 HP से 2 HP का हम ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं, तो उसी में ये काम आएगा। अगर आपका 3 HP वाला ही अगर इसमें शॉर्ट हो जा रहा है आपका, तो इसको लगाने का कोई ज़रूरत नहीं, हमको ये शॉर्ट पड़ रहा है तो हम इस पर लगवा रहे हैं। तो आप भी लगा सकते हैं, अगर देख लीजिएगा, अगर आपको ज़रूरत है तो लगा सकते हैं। तो इसका पूरा हम ये जो गार्ड वायर है इसको बांधना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास गार्ड वायर नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप एक गार्ड वायर ला के लगा दीजिए, क्योंकि अगर आपका कभी भी बाई चांस से लोहे वाला चीज़ है, कभी भी कहीं से गुना से फेल हुआ, कुछ भी हुआ, तो मोटर आपका डायरेक्ट बोरिंग में नहीं चला जाएगा, मोटर आपका रहेगा ऊपर में ही, ताकि जो गार्ड वायर है वो आपका पकड़ के रखेगा। और गार्ड वायर बहुत सारी जगह पर काम आता है, ये आपको लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी इसको हम अच्छे से कस दे रहे हैं ताकि हमारा जो सामान है वो अच्छे से टाइटली हो जाए और फिटिंग्स भी सही रहे। और उसके बाद हमको तार भी जॉइंटिंग करवाना है, जो आप देख रहे हैं ना ब्लू कलर वाला तार, दोस्तों ये दो से इसको हमको जॉइंटिंग भी करना है। और इसके साथ हम ये जो पाइप है इसको भी अभी लगा दिए हैं ताकि बाद में हमको कोई दिक्कत ना आए लगाने में जब तार लग जाएगा। तो इसको अच्छे से कसिएगा, क्योंकि सबसे पहले वाले मोटर का पाइप यही है, तो इसको अच्छे से ही कसना है आपको, इसमें आपको ढीला मत देना है, अच्छे से कस देना है। उसके बाद हमारा जो तार है उसको अच्छे से छील देना है, थोड़ा लंबा करके ही छीलिएगा, और मोटर का वायर और जो पंप का वायर उसको भी अच्छे से छील दीजिएगा। तो इसका जो कनेक्शन है ये बहुत इजी है, आपको रेड के तार के साथ रेडी लगाना है, पीला के साथ पीला, और नीला के साथ सॉरी ब्लू के साथ ब्लू भी लगाना है। और इसमें एक आता है वाटरप्रूफ टेप जिसको ब्लैक कलर का आता है, देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा मैं तार छिला हुआ हूँ, तो सेम कैटेगरी उस पर भी करना है। उसके बाद सबको अपने कलर के साथ मैच करवा देना है। उसके बाद ब्लैक कलर का एक हमारे पास टेप आता है
जिसका नाम है वाटरप्रूफ टेप, तो उसको आपको अच्छे से लिपटा देना है तीनों तार में। उसके ऊपर आपको लगवा देना है जो पीवीसी टेप होता है, पीवी टेप जो होता है उसको भी लपटा देना है उसके ऊपर, जो तीनों के ऊपर हो गया। अभी ये जो देख रहे हैं ये वाला है टेप होता है ब्लैक कलर का टेप, ये मैंने उल्टा भी लगाया है, आप उल्टा भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप पहली बार के लिए कर रहे हैं आप पहले वाटरप्रूफ टेप दीजिए, उसके ऊपर पीवीसी टेप दीजिए, ठीक है। तो लगाने के बाद तीनों के तीनों ऊपर, उसके ऊपर फिर से आपको एक बार लपेट लेना है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आगे आगे, तो उसको भी आपको आगे आगे ऊपर में लपटा देना है, उसके ऊपर फिर से पीवीसी टेप लगाना है, ताकि आपका जो पानी के अंदर में जो ये रहेगा, क्योंकि तो उसके लिए आपको चार बार आपको स्टेप मिल गया। सबसे पहले आपका पीवीसी टेप हो गया जो कि प्रोटेक्शन देगा, उसके ऊपर उसके अंदर रह गया आपका वाटरप्रूफ टेप, उसके अंदर आपका फिर से एक एक तार के लिए एक एक पीवीसी टेप आ गया, उसके थर्ड वाला जो ये सपोर्ट करने के लिए, उसके बाद जो आ गया फिर से आपका वाटरप्रूफ टेप जो कि फिर से प्रोटेक्ट करेगा। तो इसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप लगाते रहिएगा तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। देख सकते हैं अभी मैं लगा दे रहा हूँ उसके ऊपर, तो कुछ इसी तरह के से आपको लपटा देना है उसके, आप पूरा इजी से आपका लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एक बूंद भी पानी उसके अंदर नहीं जाएगा। ध्यान रखिएगा पानी नहीं जाए, क्योंकि एक बूंद भी आपका पानी चला गया अंदर तो आपका मोटर जल जाएगा, मोटर काम भी नहीं देगा, क्योंकि पानी में करंट आ जाएगा। तो आप अगर कभी भी अगर मोटर चल भी रहा होगा गलती से, आप नल को छू लेंगे, नल अगर लोहे वाला होगा या पानी को छू लेंगे तो पानी में आपका करंट आ रहा होगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इसको अच्छे से लपटाइएगा। तो लपटाने के बाद इसको जैसे प्रोसीजर में हम निकाले थे उसी प्रोसीजर में डालेंगे। तो चलिए कुछ प्रोसीजर आगे बढ़ते हैं उसके बाद। तो सब कुछ होने के बाद ऐसे ऐसे रस्सी बांध के आप कुछ इसी तरीके से डालेंगे। ओह मेरा चेहरा तो देखो कितना मुस्कुरा रहा हूँ मैं, ओह वाह शानदार। तो कुछ इस तरीके का स्माइल आता है जब पूरा अच्छे से काम आपका हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे ही डालते रहना है, जैसे आप निकालते गए वैसे ही तरीके से आपको इसको डालते जाना है, इसको खोलते जाना है, इसको टाइट करते जाना है, पूरा अच्छे तरीके से गार्ड वायर को भी सपोर्ट करना है और जो वायर है उसको भी सपोर्ट करके करते हुए जाना है। तो अभी हमारा मोटर पूरा अंदर जा चुका है, तो अभी ये आ गया हमारा लास्ट है जिसके अंदर से और मोटर नहीं जा पाएगा, यहीं पे ही रहेगा। तो इसका यूनियन को भी हम कस देंगे, ये सब वायर जो कनेक्शन वगैरह है इसको सब हम निकाल देंगे। तो ये सब निकालने के बाद चलते हैं हम, आपको मैं अपना कनेक्शन की तरफ दिखा देता हूँ कि आपको कनेक्शन कैसे करना है इसका। तो सबसे पहले जो मोटर का जो तीन वायर आया, तो आपके स्टार्टर में भी तीन सॉकेट दिया होगा, एक फेज न्यूट्रल तो गया और उसके बाद तीन दिया होगा। तो सबसे पहले आपको रेड कलर लगाना है, उसके बाद पीला, उसके बाद ब्लू। तो इसी तरीके से कुछ उल्टा करके आपको लगवा देना है, उसके बाद आपका कनेक्शन हो गया ऑलमोस्ट। सब कुछ चेक कर लीजिएगा कनेक्शन सही है कि नहीं, कैपेसिटर सही है कि नहीं, स्टार्टर सही है कि नहीं और सब कुछ सही है कि नहीं। उसके बाद आप जब मोटर उसका चालू करेंगे तो आपका वाटर सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।